हेलो एवरीबॉडी, वर्कशीट 27 आ गई है। 5 सितंबर 2020 की वर्कशीट है बेटा। सब्जेक्ट है इंग्लिश। नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड नेम ऑफ द क्लास टीचर यू विल राइट डाउन। यू रीड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम एन ऑनलाइन न्यूज़लेटर बाय डेविड पैरल। डेविड पैरल ने एक ऑनलाइन न्यूज़लेटर लिखा था अबाउट फेमस अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट मार्गरेट मिड। यहाँ पर दो तीन चीज़ें आप पूछना चाहेंगे, मैं बताना चाहूँगी। व्हाट इज़ द सेंस ऑफ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है बेटा एनी साइंटिस्ट या एनी काइंड ऑफ रिसर्च वर्क रिलेटेड टू मैनकाइंड, स्टडी ऑफ मैनकाइंड, स्टडी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, कि इंसान पहले बंदर था और ये सब चीज़ें जो भी मैनकाइंड के बारे में, ह्यूमन बींग्स के बारे में जो भी स्टडी होती है, जो स्टडी करते हैं, जो रिसर्च करते हैं, दे आर कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ठीक है बच्चे। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मार्गरेट मेड वॉज आस्क्ड बाय अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट ने उनसे पूछा वॉट शी कंसिडर टू बी द फर्स्ट साइन ऑफ सिविलाइजेशन इन अ कल्चर। एक कल्चर में फर्स्ट सेंस ऑफ सिविलाइजेशन, फर्स्ट साइन, किससे पता चलता है कि ये लोग सिविलाइज्ड हैं, ये कैसे पता लगेगा? पहली चीज़ क्या नोटिस करेंगे आप? मेड सेड द फर्स्ट साइन ऑफ सिविलाइजेशन वॉज फीमर। सबसे पहला साइन जो सिविलाइजेशन का था वो फीमर था। फीमर क्या होता है बच्चे? आपका पेल्विक गर्डल होता है, पेल्विक गर्डल से और आपकी टांगों को जोड़ने वाली यहाँ पर घुटने से ऊपर, ये घुटना नीचे पैर, ये वाली जो पोर्शन होता है ये वहाँ पर एक हड्डी होती है जिसको बोलते हैं थाए। ये थाए वाली बोन में सबसे बड़ी बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी होती है फीमर। बोन इन द थाए ऑफ ह्यूमन इट ब्रोक एंड देन हील्ड, ये टूटी और फिर हील हो गई। इट मीन्स दैट समवन टू केयर ऑफ द पर्सन एंड हेल्प टू बिल्ड द हील द बोन। इसका मतलब है कि किसी ने उस इंसान की हेल्प की होगी और वो इंसान ठीक हो गया होगा। इन द एनिमल किंगडम इफ द एनिमल, इफ द बोन ऑफ एन एनिमल ब्रेक्स इट डाइज। अगर एनिमल्स के बारे में देखो तो अगर किसी की हड्डी टूट जाती है वो मर जाता है। द एनिमल डाइज बिकॉज इट कैन नॉट रन अवे फ्रॉम डेंजर, या ना तो ये खतरे से दूर भाग सकता है और गो टू रिवर टू ड्रिंक वाटर, ना वो पानी पीने जा सकता है और हंट फॉर फूड, ना फिर खाना ढूंढने के लिए जा सकता है। इट बिकम्स समवन एल्स फूड, या किसी और का भोजन बन जाता है। सो नो एनिमल कैन लिव इफ इट हैज़ अ ब्रोकन लेग, कोई भी जानवर नहीं रह सकता अगर उसकी टांग टूटी हो। बिकॉज इट कैन नॉट बी हेल्प्ड बाई एनी अदर एनिमल फॉर द बोन टू हील, क्योंकि कोई भी और जानवर इसकी मदद नहीं कर रहा उसकी हड्डी को हील करने में। हेल्पिंग समवन, इसका मतलब क्या हुआ? ह्यूमन्स और एनिमल्स को क्या चीज़ दूर कर रही है, क्या चीज़ अलग कर रही है? दैट इज़ हेल्पिंग समवन एल्स थ्रू डिफिकल्टी मीन्स दैट वी आर पार्ट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। किसी की बुरे वक्त में मदद करना, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में मदद करना इज़ द पार्ट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। इसी कारण हम सब लोग सिविलाइज्ड हैं और हम ह्यूमन सिविलाइजेशन का हिस्सा हैं। वी आर एट ह्यूमन्स ओनली व्हेन वी सर्व अदर्स, जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम ह्यूमन्स हो जाते हैं, हम ह्यूमन होते हैं। बी सिविलाइज, चलिए फिर से सिविलाइज हो जाते हैं। ठीक है बच्चे, ये बात समझ में आई? तो ये जो पैसेज था ये इस बारे में है कि अगर आप किसी की मदद करते हैं तभी आप इंसान बन पाते हैं, नहीं तो आप जानवर होते हैं। इन केस यू वांट टू फील दैट यू आर अ ह्यूमन बीइंग, दैट मींस यू आर सपोज टू हेल्प समवन एल्स। आयरा बायोक बेस्ट केयर पॉसिबल अ फिजिशियंस क्वेस्ट टू ट्रांसफॉर्म केयर थ्रू द एंड ऑफ लाइफ। 2012 का न्यूज़ लेटर है बेटा ये, जिसको हमने अभी पढ़ा। आफ्टर रीडिंग दिस न्यूज़ लेटर, ये न्यूज़ लेटर पढ़ने के बाद, यू थिंक द करंट पेंडेमिक सिचुएशन, आज की करंट पेंडेमिक सिचुएशन के बारे में सोचिए, वेयर मैनी ह्यूमन बींग्स नीड हेल्प, जहाँ पर बहुत सारे लोगों को आपकी हेल्प की ज़रूरत है। यू डिसाइड टू राइट अ लेटर टू द प्रेजिडेंट ऑफ योर कॉलोनीज RWA। आप जिस सोसाइटी में, जिस कॉलोनी में रहते हैं, वहाँ पर रेजिडेंट वेलफेयर और एसोसिएशन है और उसके हेड को, प्रेजिडेंट को आप लेटर लिखते हैं एक्सप्लेनिंग अ प्लान दैट यू हैव डिज़ाइन टू हेल्प पीपल इन योर नेबरहुड, और उस प्लान को बताएंगे कि आप कैसे हेल्प करना चाहते हैं अपने आस पास। राइट द लेटर इन 100 and 120 वर्ड्स। साइन योर सेल्फ एज अमित और अमिता, अमित या अमिता समझिए खुद को, और चलिए एक लेटर लिखिए। आपको पेंडेमिक सिचुएशन में आपके प्रेजिडेंट ऑफ RWA को एक लेटर लिखना है, ये बताना है आप कैसे अपने पड़ोस के लोगों की मदद करना चाहते हैं। प्रेजिडेंट RWA Residents Welfare Association
इससे आपको RWA की फुल फॉर्म भी पता चल जाएगी। RWA होता क्या है, जो जहाँ भी लोग रहते हैं वहाँ पर एक RWA बनाई जाती है बेटा, ताकि वहाँ के लोगों के बारे में मदद, उनके लोगों की मदद हो सके। ABC कॉलोनी दिल्ली, आप जो चाहे वो पिन लिख दीजिएगा, ठीक है, 1100 के बाद लिखा जाता है दिल्ली का पिन। सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजिंग अ स्ट्रीट फूड कम्युनिटी फ्रिज, आप क्या चाहते हैं, कम्युनिटी फ्रिज बनाया जाए सोसाइटी के बाहर या सोसाइटी के गेट पर, जिसमें लोग आकर खाना, अपना खाना बच वो करें, रख सकें। सेटिंग अप होना चाहिए, सेटिंग अप फॉर द पुअर। सेटिंग अप, आप क्या करेंगे, सेटअप करेंगे, एक फ्रिज लगाएंगे अपनी सोसाइटी के बाहर, जिसमें आप वो सब खाना रखेंगे जो आपके घर में एक्स्ट्रा है, या एक्स्ट्रा बनाकर जानबूझकर रखेंगे, ताकि उस फ्रिज को खोलकर कोई भी गरीब खाना खा सके। ये मेरा आइडिया, आप कोई भी आइडिया को लेकर परस्यू कर सकते हैं बच्चे, ये मुझे समझ में आया तो मैंने इसी को लिखना शुरू किया। रिस्पेक्टेड सर, एज अ रिस्पॉन्सिबल इंडियन सिटीजन एंड अ पार्ट ऑफ योर कॉलोनी, I hereby wants your support and your permission to set up a community fridge at the gate of the colony. Next paragraph shuru karenge. As in these difficult times, most of the people are stranded, helpless, without food. Due to this pandemic, lots of people have lost their employment and their earning too. In order to help human beings as another human being, I just wish that we should set up a community fridge near the society gate. The guard on the gate should be the guardian of that fridge. All the members of RWA our colony will cook some extra food daily and keep it in the community fridge. We can make a weekly plan or a monthly plan
फॉर कीपिंग फूड इन द फ्रिज सो दैट द फ्रिज इज नेवर एम्प्टी. Anyone in need can take food from the fridge and eat it. It'll be a great humanitarian deed on our part to be initiated to help the poor. Hope you liked the idea. Kindly give me permission so that this work could be completed as soon as possible. A responsible citizen, Amit. ठीक है बच्चे, ये हमने लिख दिया. ऐसे लिखते हैं आप, वो आपने गैस लिख दिया एप्लीकेशन, और तीन पैराग्राफ, तीन पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया बच्चे. ठीक है, आई होप ये क्लियर है आपको कि कैसे लिखा जाता है. अगर कोई डाउट हो तो पूछिएगा. यही एक फॉर्म, एक लेटर है, लेटर का फॉर्मेट है, आपको दिखा दिया है. और इसी तरह आप कोई भी लेटर, आपके मन में कोई भी आइडिया जो आप देना चाहें, उस आइडिया को यहाँ पर इस उसमें वर्कशीट में या इस वर्कशीट, इस एप्लीकेशन में आप लिख सकते हैं. आई होप यू लाइक द वर्कशीट. कीप लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग द वीडियोज़. इन केस यू शेयर द वीडियोज़ देन अदर्स कुड ऑल्सो बी हेल्प्ड. और यही एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड होता है कि हम जो भी मदद कर सकें, किसी पड़ोसी की, किसी दोस्त की, किसी को पढ़ा सकें, किसी को कुछ कर सकें, कुछ भी कर सकें, तो इट विल बी ऑफ ग्रेट ह्यूमैनिटेरियन एड. इंसान होने के नाते ये सब हमारा फ़र्ज है. बाय बच्चों.